जिसका शीर्षक है कला, शिक्षा और संचार माध्यम। आप सभी का इस विशेष व्याख्यान में सम्मानपूर्वक स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम, यह व्याख्यान हमारी भारतीय कला और संस्कृति के कई विषय जैसे साहित्य, सौंदर्य शास्त्र आदि से संबंध रखता है। मैं हमारी माननीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा मैम से आग्रह करती हूँ कि वह स्वागत भाषण द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला दर्शन विभाग के द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला जो भारतीय कला, सौंदर्य शास्त्र एवं सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित है के अंतर्गत आयोजित आज के विशिष्ट व्याख्यान, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर भरत गुप्त सर, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माननीय न्यासी हैं और साथ ही NST नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वाइस चेयरमैन हैं और इस समय ऑलमोस्ट एक्टिंग चेयरमैन की भूमिका में हैं इस समय, और एक बहुत ही सुविख्यात शिक्षाविद हैं, कलाविद हैं। आपका व्याख्यान हमने आज आयोजित किया है जिसका विषय है कला, शिक्षा और संचार माध्यम। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आदरणीय सर का। आप बहुत ही सुविख्यात एक व्यक्तित्व हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे जो कलात्मक गतिविधियाँ हैं या व्याख्यान आदि हैं उसके माध्यम से सर बहुत सक्रिय रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी। ये हम सब के लिए बहुत, और भारतीय संस्कृति हो, शिक्षण हो, कला हो, इन सब क्षेत्रों में सर का बहुत ही नितांत व्यापक अनुभव है। आज आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, यह हमारे लिए सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर RC गौर सर, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डीन अकेडमिक्स हैं और साथ ही पूर्व NSD के डायरेक्टर सर रहे हैं। और आपने अपना समय निकाला सर, आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं यहाँ सुधीर जी, बहुत ही विशिष्ट जो मैं देख रही हूँ अतिथिगण हमारे बीच इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के विभिन्न विभागों से विभागाध्यक्ष हैं, स्टाफ मेंबर्स से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे द्वारा ये व्याख्यान श्रृंखला जो हमने प्रारंभ करी, हमारा उद्देश्य था क्योंकि भारतीय संस्कृति की अगर जब हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति बहुत व्यापक है, अत्यंत व्यापक है, इसके बहुत आयाम हैं। हमारी भारतीय संस्कृति अनूठी है और इसी के कारण पूरे विश्व में एक हम खास स्थान रखते हैं और सभी के लिए आकर्षण का केंद्र भारतीय संस्कृति रहा है। इसके इतने आयाम हैं, जितना जाने हमेशा लगता है हमको कि इसका कोई ना कोई पहलू छूट गया है और अभी बहुत कुछ है जो हमारे लिए जाना हमें चाहिए। इसलिए इस दृष्टिकोण से हम चाहते थे कि इस कला श्रृंखला को, इस व्याख्यान श्रृंखला को प्रारंभ किया जाए और खासकर हमारे जो कला प्रेमी हो, चाहे जनमानस हो या फिर हमारे जो युवा पीढ़ी है विशेषकर, हम उन्हें भारतीय संस्कृति के सभी आयामों से अधिक हम उनको उन तक ले जा पाएं और उनको समझा पाएं, वो उस संस्कृति को समझें, उसके महत्व को समझें और उसको अपने जीवन में अंगीकार करें, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और आगे आने वाले समय में वो भी इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित हों कि कैसे वो इस भारतीय संस्कृति, इस भारतीय कला, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आएं और क्या योगदान वो दे सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने युवा पीढ़ी को प्रेरित करें, ये भी हमारा एक प्रयास इस व्याख्यान श्रृंखला को प्रारंभ करने में रहा है। और जहाँ तक हम भारतीय कला की बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि जो है आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि रही है, जो इसको बहुत व्यापकता प्रदान करती है, और भारतीय संस्कृति जो इस विशेषकर है, इसको अगर हम अंगीकार करते हैं और हमारे जीवन का ये अभिन्न हिस्सा बन जाए और हमारे क्रियाकलापों में ये परिलक्षित होने लगे, तो इसके लिए भी हम युवा पीढ़ी को प्रेरित करें जिससे कि एक सुसंस्कृत
जो व्यक्तित्व का हम निर्माण कर पाए और साथ ही सुसंस्कृत जो है एक समाज का निर्माण कर पाए, क्योंकि जो एक सुसंस्कृत समाज होता है वही जो उन्नति के विभिन्न या उच्च आयामों को स्थापित कर सकता है। और अगर हम अपनी संस्कृति को महत्व देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको अंगीकार करेंगे, तो निश्चित तौर पे यही संस्कृति हमें पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर भरत गुप्त सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माननीय न्यासी और बहुत ही सुविख्यात शिक्षाविद हैं आप, कलाविद हैं सर, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैं आदरणीय गौर सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर भरतकुप जी को अंगवस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। चलिए फिर बिना किसी विलंब के हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर भरतकुप जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया हमें उन सभी ज्ञान से प्रकाशित करें जो अभी तक अज्ञात रह गया है। श्री गुरुभ्यो नमः। आदरणीय गौर साहब, ऋचा कपूर जी, बहुत प्रसन्नता है कि ये अवसर प्राप्त हुआ है कुछ अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करने का। और फिर मैं चाहूँगा कि मेरे लगभग आधा घंटा आपसे कुछ कहने के पश्चात फिर हम एक वार्तालाप करें। मैं एक लंबा व्याख्यान का प्रयास नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने विचार रखूँ, फिर आप थोड़ा सा उन्हें तोलें, देखें और कुछ वार्तालाप हो, और उसके बाद ऋचा जी चाय तो पिलाएंगी ही सबको। ठीक है, फिर चाय पे चर्चा होती रहेगी जैसा गौर साहब बता रहे हैं, सिर्फ उसे। अब देखिए, आज का जो शीर्षक है, विषय कला शिक्षा और संचार माध्यम, ये इस तरह से इसके तीन पक्ष रखे गए। तो तात्विक दृष्टि से अगर देखें तो ये तीन है ही नहीं, एक ही है। वो उसके भक्ति के संदर्भ में कहा जाता है ना कि बंदौ सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न, लेकिन वो क्या है, कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता देखने में दो हैं, है वास्तव तात्विक रूप से एक है। हाँ, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदौ सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो कला शिक्षा और संचार माध्यम अलग नहीं है वास्तव में, हाँ उनके प्रयोजन अलग हैं, पर आज की दुनिया में संचार माध्यम आपको लगेगा कि बिल्कुल ही अलग है। बहुत से कलाकार कहेंगे कि यार आप हमें किस कैटेगरी में रख रहे हो, हम कलाकार हैं, कहाँ संचार माध्यम। लेकिन मैं इसको केवल एक व्यापार या एक जो प्रयोग चल रहा है टेक्नोलॉजी का, उसको नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ कि जो बात कही जाती है, प्रेषित होती है, अभिनीत होती है, एक्ट होती है, एक से दूसरे पे जाती है।
मेरे मन से, मेरे मंच से आप तक पहुंचती है, सामाजिक तक पहुंचती है, तो वो प्रक्रिया वास्तव में एक है। और संचार माध्यम को भी अगर सीरियसली लिया जाए, गरिमापूर्ण दृष्टि से लिया जाए, तो उसका यही अर्थ हो सकता है। ठीक है, उसमें हम चकल सब छोटी मोटी बातें तो करते ही हैं, तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसका श्रेष्ठ उपयोग जो है वो यही है। आप ये देखिए कि संचार माध्यम तथा कथित तो एक बड़ी नई सी विधा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये विधा पुरानी विधा क्या है और इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर स्वागत है आपका, कष्ट किया आपने, तो अगर हम ये देखें कि पुरानी कला जिसके बारे में कुछ श्रेष्ठ विचार हुआ है, गंभीर विचार हुआ है, और जिसका यही अभिप्राय इधर से बात उधर, अभिनय कह लें, जैसे अभिनय की भी डेफिनेशन क्या है, यस्मात् प्रयोगं नयते तस्मात् अभिनय स्मृतः, जिसको आप एक्टिंग कहते हैं, तो वो ये तो अंग्रेजी का शब्द है एक्टिंग, लेकिन अभिनय की जो व्याख्या है, यस्मात् प्रयोगं नयते, कि जो मेरी बात, मेरे प्रयोग, मेरी अभिव्यक्ति को, मेरे चलने फिरने को आप तक ले जाता है, उसके अर्थ को, वो अभिनय है। गहरी बात कह रहे हैं, तो प्रेषित होना, तो तीनों चीजें, संचार माध्यम और शिक्षा और कला, ये तीनों एक ही बात करते हैं। ये मैं पहली प्रस्तावना कर रहा हूं। कला को मैं एक सिर्फ आर्ट के रूप में नहीं देखना चाहता, और आर्ट शब्द विदेशी है, और आज पिछले 200 साल से विदेश में भी इसका खुलकर दुरुपयोग हुआ है। अगर आप 300-400 साल पहले देखें कि आर्ट के बारे में क्या सोचा जाता था यूरोप में, तो आपको जमीन आसमान का फर्क आएगा। ब्यूटी की कॉन्सेप्ट थी, जैसे आप कीट्स की पोएम लीजिए, ओड टू द ग्रीशियन अर्न लीजिए, वहां जो कला की बात, तो एक श्रेष्ठतम प्रतीक आपके सामने है जो आपको जीवंत कर देता है और जो चिरंतन है। तो चिरंतन तत्व आज पश्चिम कला के बारे में भूल गया है, उसकी कोई चर्चा आज करीब करीब 200 वर्षों से नहीं। कहने को हमें पश्चिम से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जो पहले मिल रहा था और जो पिछले 100-200 साल में मिल रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। ये भी हमको देखना चाहिए। तो कला वास्तव में क्यों थी, क्या थी, कैसी है और उसका क्या दायित्व है, इसका विश्लेषण भी भारत से अधिक स्पष्टता के साथ कहीं नहीं। और बिल्कुल शुरू में ही वो नाट्यशास्त्र में पहले उत्पत्ति अध्याय में दे दिया गया। देखिए, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, निरंतर होती रहती हैं, इज आर्ट फॉर आर्ट सेक। अब महेश भट्ट से कोई पूछे आप फिल्म क्यों बनाते हैं, तो हमेशा से कहते आए, मैं जो लोग देखना चाहते हैं मैं वो दिखाता हूं, चाहे वो कितनी सड़ियल चीज देखना चाहते हो मैं दिखाऊंगा। तो उनका ये मानदंड है। ये मानदंड अगर किसी का भी होगा संप्रेषण में, किसी का भी मानदंड होगा अभिव्यक्ति में, तो वो कोई सांस्कृतिक मानदंड नहीं कि आप जो देखना चाहते। आई वॉन्ट टू टिटिलेट यू, तो वो तो मदारी भी ये काम करता है, ये तो जाने कौन कौन लोग इस किस्म का काम करते हैं, तो ये मानदंड नहीं हो सकता। और ना कला कला के लिए ही हो सकती है कि मैंने तो ये बना लिया, अब
अब आप सर खोलते रहिए, खुजाते रहिए बाल अपने कि ये क्या बनाया है, जैसी कुछ मॉडर्न आर्ट होती है। वो कहता है जितनी देर लगेगी उतना ही मैं सफल हूं, क्योंकि आप जान ही नहीं पाए मैंने क्या बनाया। ये भी एक दृष्टि है, इसके ऊपर पुस्तकें भी लोगों ने लिखी है, एलियनेटेड आर्ट। तो ये सारे प्रश्न बहुत पहले और बहुत स्पष्टता से भारतीय संस्कृति में लेकर इनके छोटे छोटे उत्तर दे दिए गए। इंद्र ने कहा कि क्रीडनीय कम इच्छाओ, मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाओ जो सुन और देख एक समय में मैं सकूं, एक वक्त में सुन भी सकूं देख भी सकूं, ऐसी कला दिखाइए। अरे भाई क्यों दिखाइए, जरूरत क्या पड़ गई? तो उन्होंने कहा कि लोग इस दुनिया में बड़े बदतमीज हो गए, उन्होंने हर किस्म की शर्म हया छोड़ दी है, तो उनको सुधारना है। अब ये मैंने आधुनिक हिंदी में कहा, प्राचीन भाषा में ये है कि वर्ण आश्रम धर्म का पतन हो गया है। तो वर्ण आश्रम धर्म का पतन का यही अर्थ होता है लोग बदतमीज चोर बदमाश लहंगे हो जाए, कल के कुचाली जीव जिनको हम कहते हैं ऐसे हो जाए। तो उन्होंने कहा ये है पर्पस। तो देखिए मॉरल पर्पस कला का बड़ा स्पष्ट कर दिया, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है मैं देता हूं, आप जो चाह रहे हैं वो दे देता हूं। तथास्तु कह दिया। दिया क्या? नाट्य वेद दिया, मांगा एंटरटेनमेंट और दिया वेद, पंचम वेद दिया। अब आप सोचिए भारतीय कल्पना, भारतीय मानस की उड़ान क्या है। अब कुछ लोग तो खैर वेद के नाम से उन्हें खुजली हो जाती है, कुछ अपने सिहरन में आ जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वेद का मतलब है जो जानने योग्य है। और अगर आप जान गए, अपने को जान गए, संसार को जान गए, दूसरों को जान गए, तो कुछ नहीं बचा। तो देखिए एंटरटेनमेंट मांगा और उन्होंने वेद दे दिया कि अब सब कुछ आपके सामने है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भारत में नहीं है कि आर्ट इज फॉर आर्ट सेक, या इसमें मोरालिटी है या नहीं है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है, कलाकार को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल सकता है या नहीं। तो जितनी भी ये चर्चाएं आजकल हम करते हैं, हमारे भाई साहब तो इसके ऊपर पूरा यूट्यूब चलाते हैं, ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं इनकी चैनल पे होती हैं तुफैल साहब की, तो ये भारतीय मानस में नहीं। कला का एक बहुत सीधा सीधा पर्पस लोक कल्याण था। अब हम ये भी कहते हैं कि फलानी कला तो बड़ी क्लास की कला है, ये तो क्लासिकल है, और ये क्लासिकल है तो ये फोक नहीं है। तो अगर क्लासिकल है तो पेरियार जैसे लोगों को बड़ा कष्ट हो जाता है। कुछ लोग जो कहते हैं ये तो फिर ब्राह्मणों की है, ये तो एक विशिष्ट वर्ग की है, तो वो भी नहीं है, इसको सर्ववर्णिक कह दिया। उन्होंने कहा जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकता, जो हाई एंड पे जाके हार्वर्ड में जाके दाखिला नहीं ले, उस वक्त की हार्वर्ड में, यानी जो गुरुकुल में जाकर दीक्षित होकर वेद अधीत नहीं कर सकता, हम उसको भी वो ही चीज पहुंचा देंगे। आपको चार वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पांचवा पढ़ लो या पांचवे का लाभ ले लो, पंचम वेद जो कि नाट्य है, जो कि कला है। तो अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा दर्जा दिया गया है कला। और कला जैसे मैंने कहा ये तो संप्रेषण है, अपनी बात दूसरे से कहना है, दूसरे के मन तक बात को पहुंचाना है, और सब कुछ पहुंचाना है, और सबकी बात कहने में आप सबकी बात सुनते हैं, क्योंकि आप निरंतर देखते हैं ना कि मेरी बात का क्या असर हो रहा है, मैं कम्युनिकेशन कर भी पा रहा हूं या नहीं भी कर पा रहा हूं, ध्यान कहीं और तो नहीं चला गया, सिद्धि हो रही है या नहीं। सिद्धि का मतलब है कि मैं जो प्रभाव चाहता हूं, इफेक्ट चाहता हूं, वो हो रहा है, वेरीफाइबल है, साइंटिफिक है, इस तरह से जो मैंने चाहा इन्फ्लुएंस वो हो गया।
तो ये सर्ववारणिक हो गया, सबके लिए सुलभ हो गया और फिर भी वेद हो गया, फिर भी हाईएस्ट ऑफ नॉलेज हो गई। यानी आपको किसी दूसरी संस्कृति में ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि गॉड क्या है तो उसके लिए दूसरी संस्कृतियों में तो एक खास डिसिप्लिन है, भाई आप चर्च में दाखिल हो जाइए, आप अपने जीवन भर उपन्यास वो संन्यास लीजिए, स्त्री है तो आप नन बन जाइए वगैरह वगैरह, उसके बिना नहीं है। भारतवर्ष में तो वही कह रहे हैं, गाइए नाचिए नाटक करिए और मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। ये देखिए, ये जो सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी है इसको उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया, बाय द फिफ्थ वे, बिकॉज़ इट इज पॉसिबल दैट दिस विल गिव यू द हाईएस्ट नॉलेज, इट विल गिव यू द हाईएस्ट नॉलेज। और फिर उन्होंने साथ साथ में एक और चीज कही कि आप ये जो कुछ करते हैं, ये आर्ट परस्यू करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, इनसे पुरस्कार लेते हैं, पद्म भूषण पद्मश्री इत्यादि इत्यादि, ये तो सब आप करते हैं, लेकिन क्या इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं नहीं होते हैं ये भी पता करिए, क्योंकि उन्हें भी प्रसन्न करना है। और फिर उन्होंने बताया वो कैसे प्रसन्न होते हैं और कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो। तो आप ये देखिए कि सारी सृष्टि से मेरा कम्युनिकेशन हो जाए और मैं सामने बैठे ऑडियंस को ही प्रसन्न नहीं कर रहा हूं, मैं देवताओं को प्रसन्न कर रहा हूं। देवता जो यज्ञ करते हैं और जिनकी सृष्टि यज्ञ से हुई है और जिन्होंने इस संसार को धारण कर रखा है, मैं उन्हें भी प्रसन्न करता हूं। तो कला को कितनी बड़ी ताकत दे दी गई, कला को कितना बड़ा दर्जा दे दिया गया और कितनी पावर दे दी गई, जिसको इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड पावर दे दी गई। तो ये एक ऐसी कला है कि जो कर्म आधारित प्रयोग आधारित है। अब आप देखिए इसका भारत में असर क्या हुआ, इसका एक बड़ा स्पष्ट और सीधा असर है। ऐसा कौन सा देश है कि जहां काव्य के या कला के बड़े सूक्ष्म शब्द जो हैं वो गांव-गांव में बोले जाते हैं, ऐसे कहां है? ये भारत में, भारत का गांव वाला भी कह देगा कि इनकी बात में रस नहीं है। ये रस शब्द तो इतना, इसके ऊपर तो एक नहीं सैकड़ों विद्वानों ने जाने क्या क्या लिखा है, पोथी की पोथी लिखी है, और वो गांव वाला कह देता है नीरस। बिल्कुल रस शब्द टेक्निकल है, भाव, बड़ा भाव खा रहे हैं, ये भी एक प्रयोग है भाव का, और उसमें वही भाव का जो अर्थ है भावयति, जो अपने आप को फैलाता है, जो शास्त्र में दिया हुआ है, वही गांव वाला भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कैसे हो गया? वो पढ़ा नहीं, वो आपके आश्रम नहीं गया, और सारे भारत में वो आश्रम नहीं गया, और प्राचीन काल में तो आप उसे शूद्र कहते थे, ठीक है जी, लेकिन उस शूद्र की संतानें आज भी वो शब्द इस्तेमाल कर रही है गांव गांव। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कला के द्वारा, नाट्य के द्वारा, ये नाटक के द्वारा हुआ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी कि ये वेद, भाई कितने लोगों ने महाभारत पढ़ा है, कितने लोगों ने रामायण पढ़ी है, लेकिन रामायण का नाटक महाभारत का नाटक तो करोड़ों ने देखा है। आप में से कुछ लोग तो होंगे ही जिन्होंने जब वो पहली रामायण आई थी तो बस रुक जाती थी एक घंटे के लिए,
ट्रेनें भी रुक जाती थी और लोग बड़े विचलित हो गए थे। मार्क्सवादियों के यहाँ तो रुदालियां बैठ गई थी कि हाय हिंदू संस्कृति अब लौट आएगी, सबको खा जाएगी, तो रामायण दिखा रहे। उसके बाद महाभारत में भी यही हुआ 4-5 साल बाद। तो ये कैसे हो गया? जिन लोगों ने ये कहानी सिर्फ सुनी थी, नाटक देखे थे, वो इतने उतावले थे, मुस्लिम्स इंक्लूडेड, कि वो सब देख रहे थे ये। तो यहां तो शास्त्र सिद्ध है, भारतवर्ष भारत भूमि ऐसी है जहां शास्त्र सर्वगम्य भी है और सबके लिए सुगम भी है, क्योंकि वो अप्लाइड है, प्रयोग में आता है। और अगर आप प्रयोग में नहीं जिस शास्त्र को लाते तो वो आपका इतना लाभ नहीं करता, जैसे आयुर्वेद की आजकल गति है, इतना हम उसका उपयोग भी करते तो इतना लाभ नहीं होता। ये कला का आधार है। अब मैं कला को किसी और ऊंचे धरातल पर, रसो वही से इत्यादि पे नहीं ले जाना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूं जिससे कि मैं आज की मुख्य बात पर आऊं। तो आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अ लिटिल लेटर, लेकिन बात यह है जो मुझे कहनी है कि पंचम वेद तो कह दिया लेकिन कला वेदांत नहीं है। कला मेडिटेशन नहीं है, कला निर्गुण में प्रवेश नहीं है। कला वेदांत का कर्म नहीं है, कला मीमांसा का कर्म, यज्ञ का कर्म। और यज्ञ से ही सारी कलाएं निकली, यज्ञ से ही नाटक निकला है, यज्ञ से ही कल पेंटिंग निकली है, यज्ञ से ही नृत्य निकला है, यज्ञ से ही सगुण उपासना निकली, मूर्ति पूजा यज्ञ से ही निकली इस कला के द्वारा। तो ये देखिए, ये बड़ा सूक्ष्म बात है। वेदांत का मतलब तो होता है कि आप अपने भीतर चले, यम नियम आसन प्राणायाम, यहां तक तो आपने सब कुछ किया, बाहर हाथ पैर मारे, सांस रोकी छोड़ी है, फिर प्रत्याहार, प्रति आहार, सांस ले रहे हैं, बाहर की चीजें ले रहे हैं, वो छोड़ दी और प्रति उल्टा कर दिया, अंदर चले गए, यहां से निर्गुण हो, यहीं से कला समाप्त हो जाती। क्योंकि आपके भीतर क्या हो रहा है ये तो आप किसी को बता नहीं सकते ना। बता तो मैं जब बताऊंगा, उस भाव को मैं प्रकट करूंगा, तो वो तो फिर संप्रेषण होगा, वो तो दूसरे के साथ डायलॉग होगा, दूसरे को दिखाना होगा। तो उसके लिए हाथ पैर चलाने हैं, उसके लिए आपको इस बाह्य जगत में रहना है, उसके लिए जितने भी आपको संकेत या शास्त्र की भाषा में विभाव अनुभाव इत्यादि चुनने हैं, वो सब स्थूल हैं, वो बाह्य जगत है, तो वो मीमांसा की भूमि है और वो मोक्षार्थ भी नहीं, वो इस प्रकार से मोक्षार्थ नहीं है कि मन का उसमें विलय हो जाता है या अन्य मनस्काप हो जाते, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कला का उद्देश्य तो रस है और हमारे शास्त्रकारों ने तो स्पष्ट कहा कि वो ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद नहीं। ये ब्रह्मानंद तो जो अपने भीतर चला गया है, धारणा ध्यान समाधि में पहुंच गया है, उसके लिए है। तो ये कला की भूमिका है। अब यहां से एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी, यहीं से पहले भी थी, आज से शायद 1500 साल पहले भी थी, लेकिन आधुनिक काल में ये सबसे ज्यादा होती है। पहले भी शांत रस के विषय में बहुत कुछ लिखा गया और शांत रस को श्रेष्ठतम माना गया। अब हमारे ये बैठे हैं योगेश जी, इन्होंने शांत रस पे पीएचडी की है,
और हमारा और इनका हमेशा वार्तालाप होता है कि शांत रस जो है वो नाट्य में प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता। तो भरत मुनि ने उसको शांत रस को नहीं रखा। बाद में जब लोग लोकोत्तर हो गए, जब उन्होंने एक फिलॉसफी को रख दिया कि ये श्रेष्ठतम, आप वैराग्य की ओर चले जाइए, वैराग्य बड़ा है, धर्म अर्थ काम से मोक्ष बड़ी है, जब इस तरह की बुद्धि आने लगी, और ये इसका प्रमाण तो 2000 साल पहले है ही, इन्होंने मुझे वो कोटेशन दिया सौंदरानंद से अशोक घोष का, जहां उसने कहा कि ये श्रेष्ठ है, तब कला से हम हट जाते, फिर कला का उद्देश्य रस ले जाता। और यही हुआ भी, अभिनव गुप्त के बाद से भक्ति काल में फिर भक्ति जो है वो मुख्य प्रयोजन हो गई, और जब भक्ति मुख्य प्रयोजन हो गई तो सारी कला जो थी वो केवल मोक्ष के प्रति देखने लगी, मोक्षोन्मुखी हो गए, मोक्ष के ही लिए कला हो गई, चाहे किसी संप्रदाय की हो, वैष्णवों की, शैवों की, राम भक्ति करने वाले, कृष्ण भक्ति करने वाले इत्यादि, तांत्रिक हो, किसी की भी। और ये चीज देखिए क्या होता है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव 19वीं शताब्दी में होता है, जिसका हम आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये चीज मैं मुख्य रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। शांत रस को माना, ये माना कि मोक्ष की साधना में लग जाइए, वैराग्य की ओर जाइए, चाहे कृष्ण भक्ति करिए, चाहे राम भक्ति करिए, ना वो क्या तुलसीदास ने लिखा है, देह धरे कर यह फल पाई, भजिए राम सब काम बिहाई, सब कुछ छोड़िए, देह धरिए, आपको मिला है देह पर मन मिला है, तो भाई ये कर। तो ये वहां फिर भी कला थी, कला रही, आश्रमों में रही, मोक्ष विषयक रही, भक्ति भागवत कल भागवत परंपरा में रही, ईश्वर की भक्ति में लगी रही निरंतर, और उसी में नाट्य हुआ, कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला, लीला का सारा प्रसंग हुआ, लीला खेली गई, और लीला के साथ साथ, लीला के साथ साथ जो मनुष्य लीला है वो भी चलती रही। क्यों? देखिए ये सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये सारा चिंतन और ये सारा व्यवहार होता रहा, तो जो कला को स्वरूप दिया गया उसमें मनुष्य की लीला भगवत लीला के साथ एक, क्योंकि ये अवतार था। तो अवतार का रहस्य क्या है कि वो अवतरित हो रहा है, मनुष्य रूप में हो रहा है, मनुष्य की लीला कर रहा है, तो आप भगवान की लीला, भगवान का स्मरण, उसमें मन लगाना, वैराग्य परक हो जाना, और मनुष्य के प्रति सहानुभूति रखना, मनुष्य की लीला को समझना, मानवीय भावों की गहराई तक उतर जाना, और दोनों को एक समझना, ये अवतारवाद की विशेषता। तभी तो देखिए वो कह रहे हैं ना कि अड़ी सीतल यशोदा जगत उद्धारण, अड़ी सीतल यशोदा, कन्नड़ में पुरंदर दास ने कहा है कि गोदी में खेल रहा है, यशोदा की गोदी में वो ब्रह्म साक्षात खेल रहा है, अनिर्वचनीय है, किसी प्रकार से उसका प्रमाण नहीं है, हम उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो अड़ी सीतल यशोदा गोदी में यशोदा की खेल रहा। तो मनुष्य के भाव को, मानवीय भावों को और दिव्य उपासना को एक कर दिया। और मैं आपको लिख के दे दूं, जिन संस्कृतियों ने अवतार को माना है उन्होंने ही
कला की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। और जो संस्कृतियां अवतार से च्युत हो गई वहां कला लगभग खत्म हो गई है या उसके लिए जगह नहीं। दो संस्कृतियां विश्व में सबसे अधिक कला का उत्पादन कहिए या उत्पत्ति कहिए या कलात्मक सृजन कहिए, दो संस्कृतियों में, एक तो ग्रीस की यूनान और एक भारत। चीन में वॉल्यूम था, क्वांटिटी थी, लेकिन वैरायटी नहीं, भारत में। और ग्रीस तो हरियाणा जितना है खाली साइज में भारत के मुकाबले, लेकिन फिर भी इतनी जबरदस्त सृजनात्मक ऊर्जा रही। क्यों? अवतार के कारण। वहां भी देवता जो है वो स्त्रियों में संतान उत्पन्न करते हैं, लड़का है लड़की, ऐसे ही भारत में होता है। तो अवतार को अगर आप मान लेंगे, क्योंकि असली मतलब टेकिंग द बॉडी या इनकार्नेशन का ये है, उसी से ईसाइयों ने एकमात्र अवतार को माना ना, कि क्राइस्ट इज दी ओनली बिगॉटन सन, बाकी कोई नहीं है, ना बहन है ना भाई है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कहां से आया? ग्रीस से आया वो विचार, आधार उसका वही है। तो उन्होंने ये जब माना तो उन्होंने सैकड़ों नाटकों का, काव्य का, पेंटिंग का, स्कल्पचर का, ये तो सामान्य बात है, इसकी कोई आपको स्टैटिस्टिक्स देने की आवश्यकता नहीं। यही भारत में हुआ। और जहां अवतार नहीं है, अवतरण नहीं है, वहां कला नहीं। ये ही मीमांसक का, वेदांत और मीमांसा का जो अंतर है वो यही है। क्योंकि जब यज्ञ होता है तो देवता जो है वो तो विस्तर पर विराजमान हो जाता है ना, सूक्ष्म रूप से। विस्तर कहते हैं वो जो पट्टी सी रखी जाती है जिस पर उनको माना जाता है कि अब ये यहां विराजमान है, यहां इस में आ गए और हम हवि दे रहे हैं और वो उनको प्राप्त हो रही है। तो ये जो यज्ञ कर्म है, जहां अब इसको अंग्रेजी में कहें अगर, तो क्रिएटर और क्रिएशन एक हैं, दो नहीं। क्रिएटर ईश्वर कहिए या आदि तत्व कहिए, वो ही क्रिएशन बन जाता है, दोनों अलग नहीं है। कहिए तो भिन्न न मिलने वाली बात आ जाती है। दोबारा देखने में दो हैं, हैं वास्तव में एक। यही अवतार, यही नाटक, यही कला का मर्म है। और ये मीमांसक है। मीमांसक का मतलब है जिसका आधार यज्ञ है, यज्ञ का कर्म ही जिसका आधार। और केवल इसी के आधार पर आप साकार और निराकार दोनों एक ही हैं ऐसा देख सकते हैं। और साकार और निराकार को एक देखना, यही भारतीय परंपरा है। चाहे आप दसवें मंडल का वो जो सूक्त है, इंद्रम मित्रम वरुण वायु एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति इत्यादि बोले, या आप तुलसीदास ले, जब जब हो तो धर्म की हानि, बाढ़ई अधम अज्ञानी तब तब प्रभु धरि, मनुज शरीरा हरे प्रभु सज्जन पीरा, ऐसे कुछ है। तो वही अवतार है, वही अवतरण।
और स्टेज पर अगर अवतरण नहीं होगा तो आप क्या देखोगे? कहते हैं ना आप वो उतरे पर्दे से आ रहे हैं उसी लेवल पे, लेकिन कहा जाता है अवतरण हुआ उतरे, तो वही अवतरण है, वही शक्ति का अवतरण है। जैसे देवता यज्ञ में प्रकट होते हैं ऐसे ही जो जो नट है या जो कलाकार है या जो एक्टर है वो एक पात्र के रूप में अवतरित होता है। और यही एंसार्कोसिस या टेकिंग द बॉडी, एंसार्कोसिस का मतलब होता है कि सार्कोस यानी फ्लैश लेना, इनकार्नेशन, ये और ये नट का कर्म है, ये रंग का कर्म है और ये मीमांसक है। मीमांसा का मतलब होता है जहां के यज्ञ का कर्म ही प्राथमिक हो, वही फंडामेंटल मेटाफर हो क्रिएशन का, समाज का, समाज के ऑर्गेनाइजेशन का और जीवन का। अब देखिए मुश्किल क्या होती है 19वीं शताब्दी में, क्या मैं 5-7 मिनट में प्रयास करूंगा अपनी बात समाप्त करने का, कि 19वीं शताब्दी में जब देश की भयंकर दुर्दशा थी, अवनति थी, असहायता थी, तो हमने जो क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा हुआ कि सुपीरियर क्या है, सच क्या है, हमने उसको धीरे धीरे आत्मसात करना शुरू। तो हमने कहा कि साहब हम भी निर्गुण के उपासक, इसमें क्या बात, हम तो अवतार को नहीं मानते। तब ये जो भारतवर्ष में पहले सगुण और निर्गुण के बीच में भेद नहीं था, ये एक भेद बन गया व्यवहारिक। अब जैसे देखिए आप, ये समय है जबकि बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े बड़े विचारक हुए, कई समाज सुधार के कार्य हुए, विलक्षण कार्य हुए, राष्ट्रीयता के कार्य, ऐसे लोग जो कि बहुत ही हर माने में पॉलिटिकल भी थे, राष्ट्र के बारे में भी सोचते थे और इस दार्शनिक भूमि को भी समझते थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, भाई वो मेरे ख्याल से पहले आदमी हैं जो स्वतंत्रता की बात करते हैं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि वो तो शायद 1857 के जो योद्धा थे उनके भी संपर्क में थे, लेकिन वहां अवतारवाद को एक तरफ रख दिया। अब वो सही है गलत है आज वो उस चर्चा में नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, लेकिन ये हो जा रहा है, इसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं होते। इसके परिणाम इसलिए नहीं अच्छे होते कि ये चीज एक प्रकार से कला से विमुख होने लगती, कला से विमुख होने लगती, और जो कला का और रस का और काम का उसमें जो पुट है उसके बारे में भी भ्रम पैदा हो। तो जैसे मुझे याद नहीं कौन सा उल्लास है, लेकिन उसमें लिखा है एक जगह कालिदास मत पढ़ो, दयानंद जी ने लिखा है। तो अब ये प्रवृत्ति जो है कि हम सांसारिक विषयों में न उलझ जाएं, और कला का जो क्षेत्र है वो भ्रामक हो सकता है, ये प्रवृत्ति होने लगी। क्यों? क्योंकि आपने ये दिखाना चाहा कि जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है गॉड की, निर्गुण, निराकार, निर्गुण एक प्रकार से निर्गुण नहीं बल्कि निराकार जो कॉन्सेप्ट है वो श्रेष्ठतम है, वो तो हमारे पास पहले से। तो निराकार को इतना उठाया गया, यही ब्रह्म समाज करता है, यही देव समाज करता है। और इस प्रकार से जितना थिंकिंग उस समय हुआ
उसमें जो ईसाई मान्यता थी और जो ईसाई विद्वेष था किसके प्रति, आपके पूजा पद्धति के, आपके मीमांसक कर्म के प्रति, आपके देवता को बिठाना, नहलाना, उपासना करना, मंदिर बनाना, गाना गाना, नृत्य करना, उस सब को आपने ईसाई दृष्टि से देखना शुरू किया। तो आपने कहा कि मंदिर में नृत्य होता है तो साथ ये नाचने वाली देवदासियां, छी छी छी, ठीक है, ये सारा विचार बदल गया इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे ये प्रवृत्ति होने लगी कि निराकार की उपासना तो श्रेष्ठ है और साकार की उपासना और मंदिर जाना और ये सारे काम करना और पूजा करना, ये आप किसी, आज भी आईएएस की तैयारी करने वाले से पूछो कि तेरे को किताबें क्या पढ़ाती है, उसमें यही मिले। मैं दो चार बार गया हूँ मसूरी वगैरह जो या पहला ग्रुप आता है ना उनको पढ़ाने, तो मैंने देखा कि वो छट के आते हैं अभी भी, ये प्रेजुडिस है। फिर आप कहते हैं हमारे मंदिर जो है वो सरकारी कंट्रोल में क्यों है, अरे होंगे क्योंकि वो तो उन्हें कैश काउ समझते, मंदिर समझते। ये सारा का सारा जो प्रवृत्ति पैदा होती है, देखिए ये बड़ी सूक्ष्म है, मैं यहां निंदा नहीं कर रहा, माफ करें, मैं केवल एनालिसिस कर रहा हूं। गांधी जी का मंदिर से क्या मतलब था, भाई इसमें भंगी जला जाए बस। मैंने तो कभी पूजा करनी ही नहीं है, कभी करी? अब आप कहेंगे, शशि थरूर कहेंगे, इट इज गॉड्स फ्रीडम, इट इज हिज ओन फ्रीडम, वो जाए ना जाए पूजा करे। अरे भाई मंदिर के अंदर अगर आप पूजा नहीं करना चाहते, जाते नहीं और उसके अंदर किसी को घुसवाना चाहते हैं, तो आप ये तो देखिए कि इसमें क्या गतिरोध है। यही गतिरोध तो सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमला में किया ना, कि मुसलमान औरत जा सकती है साहब, उसका राइट टू एंटर पब्लिक प्लेस। तो यहां से जब आप दार्शनिक आधार को कला के समझना बंद कर दो, तो फिर कहीं तो आपकी कला बहुत घटिया हो जाती, कहीं तो आपकी कला बहुत कमर्शियल हो जाती है, कहीं तो फिर आपकी कला प्रोपेगेंडिस्ट हो जाती है कि भाई इस विचार को ले लो, लेफ्ट के ले लो, राइट के ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कुछ भी कर लो, और मूल्यहीन हो जाते। तो आप बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे, फाल्के अवार्ड भी आपने ले लिया होगा, लेकिन बुढ़ापे में भी आप टॉयलेट क्लीनर बेचते रहेंगे, एडवर्टीजमेंट करते रहे, हो रहा है नहीं हो रहा, ये दोनों काम आप सोचते ही नहीं कभी कि मेरे से दिन में चार घंटे पखाना साफ करवा लो, उसकी फोटो खिंचवा लो, बिकवा लो अपना, जबकि मैं तो इतना बड़ा आर्टिस्ट था। अब ये मूल्य ही मिलता है, ये मूल्यहीनता कैसे पैदा हुई, ये इस कारण से पैदा हुई। और अब आप हमारे नेता गांधी के बाद देखिए, देव, ही वॉज द सुप्रीम आर्टलेस फेलो ऑफ इन द कंट्री, सुप्रीमली आर्टलेस फेलो, भारतीय कला से किसी से कुछ मतलब ही नहीं। और ये सब मैं किताब पढ़ के नहीं कह रहा, मैंने 1857 के जब 100 साल हुए तो 1957 में गांधी में इसमें परेड ग्राउंड में एक घंटा नेहरू जी की स्पीच सुनी, जब मैं 11 साल का था, खड़े होके जब वो इतनी सी बात उतनी सी बात इस तरह की बात कहते हुए एक घंटा तक बोले। और उसके बाद बहुत सारी स्पीचेस आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी, और कला के लिए कुछ नहीं कर पाए।
कोई उनकी दृष्टि नहीं थी। अगर कुछ लोग न हुए होते जैसे कपिलावात्स्या है तो शायद ऐसे संस्थान भी भारत में ना बनते देवकाल। उसके बाद और देखिए आप लोहिया जयप्रकाश, अब इनके जीवन में इनकी दृष्टि में इनके विचार में कहीं कला का कोई स्थान नहीं था। और आप दूसरी ओर के लोग भी देख लें, वहां राष्ट्र निर्माण है, वहां आदर्श है, सब कुछ है, लेकिन कला का व्यवहार है ही नहीं। नेशनल एजेंडा से कला का है 1857 के था। जब आपके नेशनल एजेंडा से वो गायब हो जाएगी, और आज तो कितने साल हुए, आज तो 135 साल हो गए, यदि ज्यादा हो गए 1857 से अगर आप लगाएं, तो फिर जितने भी हमारे शिक्षा के संस्थान हैं और संचार माध्यम हैं उनमें फिर किस प्रकार की कला होगी, कैसी कला होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक बड़ी स्पष्ट बात है, या तो प्रोपेगेंडिस्ट होगी, और ये प्रोपेगेंडिस्ट कला और इसका परस्यूट ये तो हमने देखा 40-45 से आपने फिल्मों में देखा होगा, और फिर शिक्षा पद्धति के अंदर 72 से जब नूरुल हसन पधारे तब से आपने देखा होगा। 72 में दो घटनाएं हुई, एक तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर बना और दूसरे नूरुल हसन मंत्री बने, और मैं देख रहा हूं तब से कि किस तरह से जितनी कला के जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो प्रोपेगेंडिस्ट हो गए, टोटली प्रोपेगेंडिस्ट हो गए। तो आप कला में जब एक प्रोपेगेंडा डाल देंगे तो फिर कला नहीं, क्योंकि कला तो यज्ञ है, देवता की उपासना है, मनुष्य को देवता मानते हुए और देवता को मनुष्य मानते हुए, अवतरित मानते हुए, ये मानते हुए कि स्त्री के गर्भ में ही देवता प्रकट होता है। हमारे यहां तो इमैक्युलेट कंसेप्शन होती नहीं, ईसाइयों में भी बाद में बनाई गई 300-350 साल बाद। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात, अवतार जो है वो केवल शरीर धारण करना ही नहीं है, वो गर्भ के द्वारा है। तो गर्भ तो पुरुषों का होता नहीं, गर्भ तो माताओं के पास होता है। अब अगर आप ये मानते हैं तो फिर आप ये भी मानेंगे कि फिर कला का संयोजन बिना स्त्रियों के हो नहीं सकता, और इसका प्रमाण भी नाटशास्त्र में तो शुरू में ही है। ये जब भरत मुनि ने अपने कुछ शिष्यों को कुछ मुस्टंडों को लेकर नाटक किया तो वो फेल हो गया, तो ब्रह्मा ने कहा इसमें श्रृंगार इत्यादि के लिए महिलाओं को। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकृति है, जो संसार है, जो मेटीरियल है, वो डिवाइन से अलग, उनमें भेद नहीं। और जब आप ये मानेंगे तभी आप विभिन्न मत मतांतरों की एकता को देख पाएंगे। तो मैं आखिरी बात और कह दूं कि कला का उद्देश्य लोक कल्याण है लेकिन समाज सुधार नहीं। समाज सुधार का मतलब सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म वाले प्रोग्राम्स आप ले लेंगे अगर, और इसी तरह से कला का उद्देश्य सेक्युलरिज्म को या कंस्यूमरिज्म को या किसी इस किस्म की थ्योरी को प्रमोट करना हरगिज भी नहीं है। कला का बार बार एक ही उद्देश्य होगा जो वैदिक धर्म है,
और वैदिक धर्म के शुरू में मैंने आपको बताया कि ये धर्म इस तरह से नहीं है कि ये कुछ मान्यताएं हैं, ये कर्म के रूप में, यज्ञ के रूप में, और उसी से कला की उत्पत्ति है, उसी की कला का दार्शनिक आधार है। अब जब तक आप उसको समझकर, जो हमारे जितने भी कला के संस्थान हैं, कलाएं हैं, कला की विविधता है जगह जगह भारत के अंदर, जब तक आप उसका परिपोषण नहीं करेंगे तब तक कला का विकास संभव। बहुत बहुत धन्यवाद। वी कैन हैव क्वेश्चंस। आप सबसे निवेदन कि आपकी जो भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत ही प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक, और मेरे ख्याल से सभी बहुत गहन विचार चिंतन में है, और एक एक दृष्टिकोण सबको मिला है कि नहीं सोचने को। जी सर, आपका स्वागत है। जब हम कहते हैं ईश्वर निराकार है, निर्मल स्वरूप है, तो फिर मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? अरे यार, आपने सारी रामायण सुन ली और फिर आप पूछ रहे हो लक्ष्मण कौन थे। अब मूर्ति पूजा के बिना तो आप पूजा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, देखिए, अगर आप निर्गुण की उपासना करेंगे तो कैसे करेंगे? अपने भीतर जाएंगे, योग के द्वारा करेंगे, अकेले गुफा में चले जाएंगे, संसार से कोई मतलब नहीं, तो कला कहीं आई नहीं। सर कहां गई कला? फिर आप लगाते रहिए, JNU में पढ़ाते रहिए, वो संतोष सहज समाधि भली, और कबीर जो है वो बड़े ऊंचे हैं, और तुलसीदास जो है वो नीचे हैं, ये सब प्रोपेगेंडा हमने देखा है पिछले 30-40 साल। देखिए, ईश्वर की उपासना के विभिन्न मार्ग हैं, लेकिन अब गीता में ही बड़ा स्पष्ट किया है कृष्ण ने कि सैकड़ों हजारों लोग जब योग करते हैं उसमें से 2-4 आगे बढ़ पाते हैं, उन 2-4 में से भी कोई कोई बिरला मेरे तक पहुंचता है। तो मैं आपको इसी भ्रम से तो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सारा भारत वेदांती हो गया स्वामी जी के बाद, अपने विवेकानंद जी के बाद, और उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी क्योंकि उस समय उस भाषा में शिकागो में बोलने की जरूरत थी। लेकिन भारत में तो उसका क्या प्रभाव हुआ? उसका प्रभाव ये हुआ कि आप कलाहीन हो गए, आप शिक्षा में आपकी पूरी पूरी कला खत्म हो गई। आज तक नहीं, आपने एक के बाद एक पॉलिसी बनाई, नई शिक्षा पॉलिसी दसियों बना ली, बट दे आर ऑल आर्टलेस आज तक। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो अपनी बुद्धि के हिसाब से मैंने बताया कि कहीं हम ढुलक गए, अलग हो गए। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ जो थे, जिसमें वास्तव में धर्म अर्थ काम था, मोक्ष तो धर्म में ही था, तो उसमें काम को आपने छोड़ दिया, आप मोक्ष उन्मुखी हो गए। ये समस्या है। किसी समय का भी आप ले लीजिए, एक होती है सज्जा, थोड़ा बहुत अलंकार कर लिया, जरा कपड़े देख ऐसे पहन लिए कि कुछ थोड़ा सा आकर्षण हो जाए, तो आपने फूल पौधे बनाए, बड़ी अच्छी अच्छी जालियां बनाई, उसमें हीरे जवाहरात जोड़ दिए, नक्काशी कर दी, लेकिन बात क्या कही, कथ्य क्या है, कंटेंट क्या है, क्यों? और क्षमा करें,
14वीं शताब्दी से जो ग्रेट सो कॉल्ड ग्रेट इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें क्या बिल्डिंग्स? मकबर। अब मकबरों का क्या सोशल एप्लीकेशन था भाई? मकबरे में आप क्या कर सकते थे? कोने में नमाज ही पढ़ सकते थे ना, तो आप कहीं भी पढ़ सकते। अब कंपेयर दिस टू इंडियन टेंपल, हिंदू टेंपल। हिंदू टेंपल क्या नहीं था? उसके अंदर जीवन का क्या पक्ष परिपोषित नहीं होता? उसके अंदर क्या कला नहीं थी? जो लोग इस्लामिक आर्ट की बात करते हैं, मैं उनसे सबसे पहले यही प्रश्न पूछता कि जो मकबरे बने, जो बहुत अच्छे अच्छे, उसमें से कुछ खूबसूरत ताजमहल बन गया है, बट व्हाट वाज द सोशल यूटिलिटी? आर्ट जो है, आर्ट के जो टेक्निक्स हैं वो हमेशा ट्रेवल करते हैं। दुनिया के एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करते हैं, उसकी भी अपनी एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो जो ऊपर की चीज है वो कला नहीं होती। उद्देश्य क्या है आप? वो ले आपको कहां जाती? तो अब आप ये बताइए कि अब इस्लामिक आर्ट में सिवाय सूफियों के कुछ सिलसिलों में जो वो होता है, क्या कहते हैं उसे, समा, एक तरह का खास नाच है, तो वो कल्बिनेशन है परफॉर्मिंग आर्ट। उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, और वो भी आप खानकाह में करें, और आज तो दुनिया में कहीं देखने में नहीं आता, वो टर्की में फॉर शो कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो उसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई प्रोलिफरेशन नहीं है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं है। जो बात मैंने शुरू में कही थी, लुक एट द क्वांटिटी ऑफ आर्ट विच वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एक एक झोपड़ी में आर्ट है। आप गरीब की झोपड़ी में जाइए, उसने कुछ ना कुछ सजाया है, उसने होई माता बनाई है, वो साल में 6-10 बार बनाती है औरत। ये कैसे हो गया और कहीं क्यों नहीं हुआ? आज आप चीन जाइए, वहां कोई चीनी कपड़ा नहीं पहनता, उनकी जो ड्रेस है वो खत्म हो गई, इट डजंट एग्जिस्ट। उनका म्यूजिक खत्म हो गया है, हमारे बीच योगेश जी हैं। सर अनुमति हो तो एक प्रश्न छोटा सा मेरी जिज्ञासा है। सर आप ने एक बात कही कि वेदांत में कला के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि काव्य भी एक कला है, नाट्य भी एक कला है, तो जो बड़े कलाकार हैं, कालिदास बहुत बड़े कवि हैं, उसके बाद फिर मध्यकाल में तुलसीदास बहुत बड़े कवि हैं, और उसके बाद फिर 20वीं शताब्दी में जयशंकर प्रसाद एक बहुत बड़े कवि हैं, और तीनों ही कवि कालिदास विक्रमोर्वशीयम का जो नांदी पाठ है शुरुआत करते हैं, वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् नीश्वर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षरः अंतर यश्च, यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, अंतर यश्च मुमुक्षुभिर नियमितो प्राणाधिभिर विज्ञते सस्थानुस्थुल भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। ये उनका नंदी पाठ है। मध्यकाल में तुलसीदास जी रामचरित मानस लिखते हैं, और रामचरित मानस के सुंदर कांड के आरंभ में श्री राम की वंदना करते हैं और श्लोक कहते हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम
ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। 20वीं शताब्दी में जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखते हैं, विश्व देव सविता या पूषा सोम मरुत चंचल पवमान वरुण आदि सब घूम रहे हैं, किसके शासन में हमलान। इसके अतिरिक्त 8वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के आरंभ में आचार्य शंकर जो अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, वो भी अद्वैत वेदांती हैं, लेकिन स्तोत्र परंपरा में उनको बड़े स्तोत्रकार के रूप में देखा जाता है। और जब वो देवी का वर्णन करते हैं आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी में, तो एक अद्भुत काव्य उन्होंने उपस्थापित किया है। और वो कहते हैं, मुखेते तांबूलम नयने युगले कज्जल कला, मुखेते तांबूलम नयने युगले च कज्जल कला, ललाटे काश्मीरम दरसती गले मौक्तिक लता, स्फुरत कांची शाटी पृथुपटि तटे हाटकमयी, भजामि त्वां गौरीम नगपति किशोरीम अविरतम। सर मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा है सर, प्रश्न नहीं है, तो हम इन प्रयोगों को, चूंकि आपने कहा कि वेदांत में कला के लिए कोई संभावना नहीं है या वेदांत और कला का कोई संबंध नहीं है, तो ये जो प्रयोग विभिन्न कवियों के द्वारा और स्तोत्रकारों के द्वारा और अद्वैत वेदांतियों के द्वारा काव्य कला के रूप में किए गए हैं, इनको हम किस तरह देख सकते हैं, बस छोटी सी जिज्ञासा। बहुत ही अच्छी जिज्ञासा है, या जिसको अंग्रेजी में काउंटर है कि भाई आप ये सब वेदांत को कह रहे हैं कि जब वेदांत जो होगा तो फिर इतने बड़े बड़े वेदांतियों ने और इस प्रकार की रचनाएं की हैं। देखिए अब ये तो तुलसीदास ने, उन सब ने यही बात कही है, लेकिन मैंने जो बात कही वो ये नहीं कही कि वेदांत में कला के लिए कोई स्थान नहीं है। मैंने कहा कि जो वेदांत की भूमिका है, यानी जो ब्रह्म की भूमिका है, वो अंतर्मुखी है। वहां जो अनुभूति है वो केवल एक व्यक्ति की होती है, वो आप दूसरे पर को दिखा नहीं सकते, संप्रेषित नहीं कर सकते। अब काव्य की भाषा में या शास्त्र की भाषा में कहें तो जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, उसका अनुभव नहीं हो सकता। भाई शांत रस में आप ऐसे बैठ जाओगे थोड़ी सी, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उसके बाद खत्म। मांगो आपको यह है कि भाई ये शांत है बस, ऐसे वो अनुभव है। अब कला कहाँ है? कला भाव के संप्रेषण, तो वो वेदांत की भूमिका नहीं है, ये मेरा कहना है। अब जो आप बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं सिद्धांत की, जिसको आज हम वैल्यू या मूल्य कहते हैं। ये सबसे वैल्यूएबल क्या है? तो निस्संदेह जो है वेदांत वेद्यम विभु माया मनुष्यम हरि। लेकिन फिर ये भी है, पद न चहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद, मैं भूल रहा हूं एक दो शब्द यहां, पद न चहूं निर्वाण सगुण उपासक मोक्ष न लहाई। जो सगुण की उपासना करने वाले हैं वो मोक्ष की इच्छा ही नहीं करते। जन्म जन्म रति राम पद, मैं बार बार जन्म लू क्यों? क्योंकि मैं उपासना राम की कर सकूं। तो ये अब आप कहेंगे क्यों कर रहे हो भाई, वो तो उनका दिव्य रस लेने के लिए कर रहे हो, उनके ज्ञान के लिए ही कर रहे हो, वही तुम्हारा मार्ग है। लेकिन तुम्हारी अनुभूति अलग होगी, जब दूसरों को बताना है तो फिर वो कला के माध्यम से वो एक दूसरे प्रकार से होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं,
जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब वेदांत की को ही ले लीजिए कि जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो ही तो सगुण साकार होता है। अब जहां ये दर्शन है वहां कला है सबसे ज्यादा, यही मैंने आपसे बार बार कहा। भारत में और विशिष्टता क्या है कि जब आपने निर्गुण को साकार कर लिया और उसकी उपासना कर ली तभी तो आपने कहा। और तुलसीदास भी हो तो वो बार बार यही दिखाते हैं ना कि अगर आप मुझे मैं माया बस फिरऊं भुलाना, तुलसीदास से हनुमान कह रहे हैं ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना, तो माया के कारण मैं स्वरूप को नहीं देख सकता और कला जो है भक्ति जो है वो मुझे आपकी माया को आप तक ले जाए, सीता की भक्ति जो है मुझे आप तक ले जाए। तो ये सिद्धांत जो है कि जो संसार है ये भी उतना ही वैल्यूएबल है, ये भी तो वेदांत का सिद्धांत है ना। वो क्या है, अब आपने सौंदर्य लहरी की बात करी तो वो शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितो न चेद एवं देवो न खलु कुशला स्पंदितुम अपि, वो हिल भी नहीं सकता अगर वो शक्ति और शिव शक्ति के बिना नहीं होगा, अगर उससे संप्रेषित नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा तो वो शव है, शिव नहीं है। हाँ, वो एक पंक्ति आती भी है, न शिव शक्ति रहितो न शक्ति शिव वर्जिता। तो वेदांत की बात ही है। अच्छी चर्चा। मुझे ऐसा लगा जब आपने, मुझे आज पहली बार पता चला कि ये पांचवा वेद है और पांचवा वेद है हमारी हाथ की पांच उंगलियां, पंच तत्व और पंच महाभूत। क्या यही इसका बेस हो सकता है कि जैसे जन्म है और उसके बाद आपका पालन और फिर समापन, क्या यही सोच के इसकी रचना की गई? ये मेरे मन में विचार उठा। आपने तो पढ़ा होगा सर। देखिए, जो कहा गया है वो तो यही कहा गया है कि पंचम वेद इस तरह से है कि इस सारे वेदों को समाहित कर देता है और ये सर्वग्राही है। इसका आधार तो केवल ये दिया गया है। अब जो पांच की आप संख्या कर रही हैं, पांच तत्व इत्यादि, देखा जाए तो ये एक अलग प्रकार की गणना है। पांच तत्व जो है, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, सूक्ष्म शरीर, पांच प्रकार, तो वो एक अलग पूरा विज्ञान है या एक पूरा दर्शन है। इस तरह से हम देखेंगे। इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूंगा, प्लीज। चतुर्वेद या माइक पे आ जाओ जिससे रिकॉर्डिंग हो जाए। सबसे पहले शैलेश नाम है। ये माइक पे दे, सुनाई देगा? नहीं नहीं नहीं, वो माइक उसमें नहीं जा। शैलेश श्रीवास्तव नाम है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कला के बारे में केवल एक ही पंक्ति सब लोग ध्यान देना चाहिए, अव्यक्त की अभिव्यक्ति ही कला है। जो व्यक्त नहीं की जा सकती उसे व्यक्त करने का प्रयत्न ही कला है। हमारे समाज में, हमारे समय में जो कुछ भी व्यक्त है उसमें सौंदर्य की तलाश ही कला होती है। और जो हमने महसूस किया, हमको लगा कि दूसरे महसूस नहीं कर सकते, तो मैं गढ़ने की कोशिश करूँ। और चतुर्वेद की जो बात करें, असल में एक श्लोक भरत मुनि ने बहुत बेहतर, बहुत अच्छा श्लोक लिखा है और नाट्यशास्त्र को समझने के लिए वो सूत्र वाक्य है। न तज ज्ञानम न तज स्थिरत्वम न सा विद्या न सा कला न सौ योगौ न तत्कम्मम नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। दुनिया का कुछ भी ऐसा नहीं है, चाहे वो कला हो, ज्ञान विज्ञान,
जो नाट्य के द्वारा व्यक्त न होता हो, तो वो सारे वेदों को क्षैतिज अभिव्यक्ति चाहिए और त्रिकोणीय भी चाहिए, केवल एक स्तर पर नहीं चाहिए, थ्री डायमेंशन में चाहिए। तो इसलिए नाट्य की भूमिका बनी, और क्योंकि वो जनता लोक में लीला के रूप में अवतरित हो सकती थी, इसलिए वहां ऋक भी था, साम भी था, यजुर् भी था, सारे वेद वहां थे। तो वेदों का प्रकटीकरण करने के अर्थ में ही नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। और ज्ञान मार्गी और योग मार्गी और भक्ति मार्गी सगुण और निर्गुण के द्वंद्व में केवल मैं सूरदास का नाम लूंगा। गोपियों ने जिस तरह उद्धव के बहाने निर्गुणियों और ज्ञानाश्रयों को धोया है, दुनिया में कोई ऐसा साहित्य नहीं मिलेगा और उस स्तर का नहीं मिलेगा निर्गुण कौन देश के वासी। और वो कहते हैं ठीक है, तुम जैसे आप कह रहे हैं कि तुम साधना करके पालोगे, लेकिन मेरे पाने के लिए वो नहीं है। उद्धव मंडन भय 10-20 एक ही है और वो कान्हा ले गए। ये बड़े मर्म की बात कही इन्होंने। और देखिए कि जो भाव व्यक्त मैं करना चाहता हूँ संसार जानता नहीं, उसको मैं व्यक्त कर देता हूँ, और वो दिव्य है, अलौकिक है, अनूठा है, सृजनात्मक है, पहले कभी नहीं हुआ है ये। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि नाट्य सबके लिए है ना, और नाट्यशास्त्र में ही है मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद आ जाए वो श्लोक, व्यक्तम इच्छन्ति पंडिता नार्या मधुरम इच्छन्ति। वो ये कहते हैं कि नाट्य में जो पंडित हैं उनको बड़ी अच्छी भाषा होनी चाहिए, शुद्ध, उल्टा सीधा तलफुज ना हो, शुद्ध बोले, तलफुज जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। और व्यक्तम इच्छन्ति पंडिता, और नार्या मधुरम इच्छन्ति, नारियों के लिए कुछ कारुणे, कुछ मधुर, कुछ प्यारी, कुछ रोमांटिक बातें हो तभी तो बैठेंगी वो देखेंगी। और जो कि पंडित नहीं है, स्त्री नहीं है, उन्हें मारपीट चाहिए, विकृष्टम इतिरे जना, उन्हें मारपीट चाहिए, उन्हें एक्शन चाहिए, विकृष्टम का आधुनिक वर्ड। तो नाट्य सबको प्रसन्न कर देता है। आपने जो बात शब्द है उसमें, हाँ वो सुंदर शब्द है, क्रीडकीय निक्षामों सदृशम चयन, खेल चाहिए जिंदगी के लिए, आनंद के लिए खेल चाहिए, क्रीडनीय कम इच्छा, क्रीड़ा जितना जरूरी है उस एक शब्द से पूरी लीला व्यक्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही अवतारवाद आता है, क्योंकि अवतार ही लीला है, वही अवतरण है। नमस्ते, इधर नमस्ते डॉक्टर भरत रूप जी, रमेश गौर जी और मैडम। मेरा प्रश्न ये है कि शांत रस जो है उसको कहते हैं कि व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कुछ विद्वानों का मत होता है, परंतु धनंजय की दश रूपकम में और उसकी टीका जो है अवलोकन है उसमें बताते हैं कि इसको प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते हैं पर इसको एक अनुमानित रूप से किया जा सकता है। कहते हैं कि चार रस होते हैं, मूल होते हैं, और चार जो होते हैं वो इनसे ही उत्पन्न होते हैं, और कहते हैं कि इन रसों को मिश्रित करते हैं चार और तत्वों में, मुदिता मैत्री करुणा उपेक्षा। तो जब इन रसों को इनमें समावेश कर दिया जाए और फिर इसको प्रयोग में लाया जाए तो ये शांत रस का प्रयोग माना जा सकता है या फिर ये दूसरे रसों का ही प्रयोग होगा, ये एक जिज्ञासा है। और दूसरी जो है वो ये है कि अभिनव भारती जो है वो कहती है कि मुख्य जो पुरुषार्थ व्यक्त करने चाहिए किसी भी रूपक में वो होते हैं अर्थ और काम। वो ये भी उदाहरण देते हैं कि रूपक के अंत में राजा यदि अपनी भूमि ब्राह्मणों को दान करके वनवास को चला जाए, परिव्राजक बन जाए, तो रसहीन हो जाएगा पूरा जो होता है। आपने पूरा किया उसको बीज की प्राप्ति के लिए 5 अंकों में ले गए, फिर भी जो है बीज प्राप्ति के अंत में उसने बीज को ही त्याग दिया। तो
ये जो है इसको हम हमारे मानसिकता में कैसे लाएं कि अर्थ प्रधान और काम प्रधान जो है हमारी कथाएं जो हमारी संस्कृति का के प्रमोशन के लिए जो लिखे हम उसको कैसे ऐसे कर पाए कि जो है धर्म जो है गौण हो जाए उसमें, पर धर्म रहे। ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं रहेगा, धर्म के अधीन ही अर्थ और काम हो जहां तक संभव हो सके, और फिर भी जो है अर्थ और काम प्रधान हो वो कथा, तो वो कैसे संभव होगा? ये दोनों मेरी हाँ तो अब देखिए, अगर आपकी सारी बातें मैं समझ पाया चार पुरुषार्थों के लिए नाट्य है, इस पे अभिनव ने भी व्याख्या की है पूरी पहले ही अध्याय में, कि इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि कभी ना कभी जो भी हम नाट्य प्रयोग करें। अब सवाल ये है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं? अभी जो धनंजय की बात कही ना आपने और उसके बारे में जो प्रश्न पूछा, पहले उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। ये सब जो 11वीं शताब्दी के बाद चिंतन हुआ है, इस सारे चिंतन से जो सबसे पहला आधार है, आधार क्या है? देखिए, स्थायिनो एव रसत्वम आपनुवन्ति, कि स्थाई रस जो है, स्थाई भाव जो है वो ही रसत्व को प्राप्त हो। अब आप चाहो तो इसे मानो, नहीं मानना चाहो तो नहीं मानो। आप ये कह सकते हैं कि भाई उन्माद जो है, जो कि व्यभिचारी है, या आलस्य जो है वो भी व्यभिचारी रस है, टेम्परेरी है, आता है जाता है, उसको भी मैं स्थाई बना दूंगा। जैसे कुछ लोगों ने आजकल कहा है कि बीभत्स जो है वो प्रमुख रस है आधुनिक काल का, यह सबसे ज्यादा बीभत्स चीज है इस संसार में, वो गुर्निका और पेब्लो पिकासो यही तो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उस काल में हुई, लेकिन यहाँ हम वो जो सबसे पहली प्रिजम्पशन है कि भाव आठ होंगे जो स्थाई, अब उस दायरे से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कोई रोक तो सकता नहीं, वो आपकी अपनी प्रस्तावना है, करिए अपना नया शास्त्र बनाइए। लेकिन मैंने ये देखा है काफी कुछ साहित्य पढ़ के कि वास्तव में आप इन आठ से बाहर नहीं आ सकते, और शांत की बात तो फिर वही होती है कि वो अनुमान के उस पर है, क्योंकि वो भाव प्रकट हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो रखा ही नहीं है और नाट्य में वो आता ही, और बार बार वो कह देते नाट्यस्मिन, नाट्य में। तो ये बात मैं कहूंगा। और रही बात की क्या दिखाएं, तो देखिए दिखाने के लिए तो कुछ प्रयोग होते हैं जिनको अंग्रेजी में जॉनर्स कहते हैं। तो जैसे प्राचीन काल में थे नाटक, प्रकरण इत्यादि, तो अब आप आधुनिक काल में नए बना सकते हैं, नए बन रहे हैं, पुरानों को भी आप दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, आज के आज की कहानी कहने के लिए उसमें कोई बंधन नहीं है। बंधन या ये कहिए लिमिटेशन फिर वही आता है कि आप टिकेंगे कहां जाकर, आप कौन सा भाव दिखाना चाहते हैं, आप कहां पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं। अब कालिदास में भी अभिज्ञान शाकुंतलम में तो वो आखिर में अंगूठी दोबारा लेने से मना कर देती है, कहती है कि मैंने ये अंगूठी वो अंगूठी और ये सब चीजें जो है मैंने इनका वो सब समझ लिया, बेकार है, बकवास है, एक बार अंगूठी दी तो ये हो गया, तो अब अंगूठी अपने पास रखिए, लेकिन मैं आपके साथ आश्रम छोड़कर मैं राजधानी जाऊंगी। क्यों? नॉट जस्ट फॉर लव और रोमांस, क्योंकि ये मेरा धर्म है, गृहस्थ धर्म। तो यहां पुरुषार्थ आ गया, तो दिस इज अ मैटर ऑफ वैल्यूज। तो आप अगर वैल्यूज रखेंगे कला में, क्रिएशन में, तो वो वैल्यूज एक्सप्रेस होंगे, और अगर आप वैल्यू हीन बनाएंगे, जैसा कि आजकल फैशन है कि 10:30 बजे मैं पुरुष हूँ, 12 बजे मैं स्त्री हूँ, 3:30 बजे दोबारा पुरुष हूँ, अब जो जेंडर फ्लूइडिटी का जमाना आ गया है,
आप चाहें तो इस पर भी नाटक लिख सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, कोई आपको भरत मुनि मना नहीं करने वाले। लेकिन उसका जो परिणाम होगा, जो उसका समाज बनेगा, वो आपके साथ। यहाँ मैडम बड़ी दूर से आई है, एक सवाल मैडम का भी पूछ लें। पहले तो नमस्कार आपको और उपस्थित सारे विद्वत समूह को भी। मैंने आपको बहुत सुना है, थोड़ा बहुत जानती भी हूँ, और आज आपसे प्रत्यक्ष संवाद करने का मुझे सौभाग्य मिला है। प्रश्न मेरा कोई नहीं, एक जिज्ञासा है। चूंकि मैं भी थोड़ा संस्कृत जानती हूँ, तो ये तो आपने बोला ही है कि काव्य प्रकाश में कहा गया है कि काव्यम यशसे अर्थक करते व्यवहार विधेय श्वेत रक्षत कांता समित तयो उपदेश योजिए। तो काव्य का जो प्रयोजन है वो सबसे बड़ा तो जो आपने कहा वो है व्यवहार विधेय। इसके बाद मेरे मन में एक शब्द को लेकर जिज्ञासा है। आपने कहा कि कला पंचम वेद है, और आपने कहा भी कि ये जो है सब लोगों के लिए है, और इसका अंतिम जो प्रयोजन है वो कहा जाता है, आपने शब्द का प्रयोग भी किया है, ब्रह्मानंद सहोदर। जब नायक ने उसको रखा है, हाँ, जब हम देखते हैं तो पात्र से या दर्शक को तन्मयता आ जाती है, तन्मयता आ जाती है, और उसकी वो जो स्थिति होती है वह होती है ब्रह्मानंद सहोदर। अब जब ध्याता ध्यान ध्येय की एक श्रृंखला बन जाती है, उस स्थिति में समाधि का फल है ब्रह्म साक्षात्कार। ये दो शब्द हैं जिसमें ब्रह्मा है। मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है कि ब्रह्मानंद सहोदर और ब्रह्म साक्षात्कार में क्या भिन्नता। ब्रह्मानंद सहोदर कला की भूमिका है जी। और ब्रह्म साक्षात्कार का तो अर्थ है ही कि भाई साक्षात, फिर तो दोनों एक हो गए, फिर तो ना दृष्टा है ना दृष्टि है ना दृश्य है, वो केवल एक है। अब ऐसा मैंने पढ़ा है, मैं कुछ ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है किसी भी चीज में। हाँ, ब्रह्मानंद सहोदर में मेरा अनुभव है, रस में मेरा अनुभव है, निरंतर है, बरसों का है, तो वो मेरे लिए एक साक्षात अनुभव है। लेकिन साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार का तो वास्तव में ब्रह्म का साक्षात्कार है। देखिए मैं एक दूसरा आपको श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ, याज्ञवल्क्य स्मृति का है, यही है, इसी से वीणा वादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारद तालज्ञो अप्रयासेन मोक्ष मार्गम नियच्छति। यानी वीणा को जानने वाला, ताल को जानने वाला, स्वर की गहराइयों को, श्रुति इत्यादि को जानने वाला मोक्ष मार्ग की ओर नियच्छति बढ़ जाता है। प्राप्ति ऐसी नहीं है क्यों जी? हाँ जी, जी सर, जी सर, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो जाता है। अरे नहीं, नियच्छति निकलता है। तो कला आपको देहरी द्वीप की तरह से है, जो संसार को भी और संसार से जो ऊपर है उसको भी, दोनों को आलोकित करती। तो ब्रह्मानंद सहोदर की भूमिका में वो ब्रह्मानंद को इंगित करती है, और ब्रह्मानंद सहोदर के रूप में वो रस का आस्वादन कराकर इहलौकिक भूमिका भी। लेकिन क्योंकि वो और रसों के के तरह से नहीं है, इसलिए हम उसको अलौकिक भी कह देते हैं। ये कि वो रस जो है काव्य का रस, वो अलौकिक है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो सर यहाँ पर दोनों ही शब्दों में आनंद शब्द आया है, तो आनंद की कोई जाति तो होती नहीं है अनुभूति में, तो क्या हम वही आनंद की अनुभूति करते हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार में करते हैं? और फिर यहाँ पर फिर वही प्रश्न आता है कि जो शांत रस में भी, देखिए मैं आपको उपमा के रूप में जवाब देने का प्रयास करता हूँ। एक नशा
दारू पी के भी, ठीक है जी, वो भी मस्त है। और एक नशा जो है वो किसी उत्तम काव्य को पढ़कर भी आपका आपका चित्त मन शरीर सब प्रफुल्लित हो जाते। अब दोनों में भेद है ना, तो आनंद तो सब जगह है। मनुष्य जो है वो आनंद खोजता है, मनुष्य क्या हर जीव खोजता है, प्रकृति है उसको सुख चाहिए, वो सुख सुख का अन्वेषण करता है। लेकिन हर प्रकार के सुख एक से नहीं होते, हर सुख एक सा नहीं होता, हर सुख की परिणति एक सी नहीं होती। तो ऐसे ही आनंद है, तरह तरह के आनंद है, काव्य का आनंद है, संगीत का आनंद है, कला का आनंद अलग है। विशिष्ट वही ब्रह्मानंद सहोदर उसको हमने कहा, दूसरे कह नहीं सकते थे क्योंकि दूसरे ब्रह्मानंद तक ही नहीं, उनका विचार है या उनकी गम्यता है। तो ये हमें मानना चाहिए। इस तरह हमने नाट्य को ऊपर उठाया, ब्रह्म आनंद सहोदर तक जाता है। ये नायक की नायक ने की सबसे बड़ी जो जो परिकल्पना है या जो उन्होंने सोचा भट्ट नायक ने वो यही था, और फिर अभिनव ने उसको स्वीकारा और वो वहां से आगे बढ़े। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय गौर सर जी से निवेदन करती हूँ कि वो दो शब्द कहें। मेरे दो शब्द हैं धन्यवाद, क्योंकि आपने जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर व्याख्यान दिया उस पर कोई कमेंट करने की न तो मेरी कैपेसिटी है और न ही मेरी इच्छा है। मैं बस धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके साथ हमेशा काम करना बहुत ही आनंददायी होता है, और ये जो आनंद आपने कहा, एक आनंद ये भी है कि जब आपके साथ हम मिलकर काम करते, आपकी जो कला के लिए एक समर्पण है। क्योंकि मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि अभी कुछ साल, पिछले दो साल में एनएसडी में डायरेक्टर की जब पोजीशन में था तो साथ में हम लोग काम कर रहे थे। 18 साल से एनएसडी का सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था, कोई स्ट्रक्चर सिलेबस नहीं था। और जब हम दोनों बैठ के बात की और शुरुआत की तो आप बिलीव करिए 6 या 7 महीने में वो 18 साल की दूरी खत्म हुई, और एनएसडी में पहली बार एक स्ट्रक्चर और सिलेबस बनाया भी नहीं, इम्प्लीमेंट भी किया। ये इनकी कैपेसिटी है और ये इनका एक समर्पण है कला के लिए। फिर आपने जो भी कहा, मेरी एक समस्या कही है, हम सबकी समस्या एक ही है कि अज्ञानता, ये जो सैकड़ों सालों की जो हमारी अज्ञानता है, जो एक बहुत बड़ा गैप है। जिस तरीके से आप सोचते हैं हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें वो सब चीजें बताई नहीं गई। हमने इतने सालों तक जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा, वो कुछ और ही है। तो सबसे बड़ी चैलेंज तो यही है जो हम संचार बात, आज का ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी ने ट्वीट किया कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते हैं, जबकि मान्यता ये है कि श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद आए और उसके उपलक्ष्य में दीपावली का त्योहार मनाया गया। हम सबकी सोच और हमारी जानकारी सिर्फ वही तक है कि ये हम इसलिए मनाते हैं कि, तो अब मैं उस पर पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो जो जिन्होंने ट्वीट किया उन्होंने सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया कि हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की क्यों पूजा करते हैं, पूरा का पूरा वो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन वो कहीं पर भी जो उन्होंने बताया वो पढ़ाया नहीं जाता, कहीं पर बच्चों को बताया नहीं जाता। और कई बार क्या होता है, हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती हैं हमारे हमारे धर्म को लेके, हमारी जो भी हम पूजा या हम जो अर्चना करते हैं, जो भी हमारी हमारे हमारे शास्त्रों को लेके, जो भी हमारी मान्यता है उनको लेके, इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि हमारी अज्ञानता, हमारा जो अधूरा नॉलेज है, जो हमारा इनकम्प्लीट नॉलेज है, हम सिर्फ एक ही पहलू, किसी भी सिक्के का एक ही पहलू जानते हैं। और उसके लिए आप जैसे विद्वानों के इस तरह के व्याख्यान बहुत जरूरी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आपने कला और शिक्षा और संचार माध्यम को, जिस
जिस तरीके से आपने व्याख्या की है और हम सभी लोग यहाँ पर उसके साक्षी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें से बहुत सारे लोग जो जगह जगह अपनी भूमिका निभाते हैं, जरूर उसमें मददगार होगा हमारे समाज में एक नई सोच लाने के लिए। और सबसे बड़ी जो आपकी खूबसूरती है, बेवाकी से आप किसी को भी बख्शते नहीं है, मतलब जो आपको कहना है आप कहते हैं, तो वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद रिचा जी, आपने ये बहुत ही खूबसूरत सीरीज शुरू की है और उसको जारी रखिए, इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी, तो आप सब लोग उसको आगे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस तरह की व्याख्या हमारे पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी बहुत सारी अज्ञानताओं को दूर करेंगे। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आप सब लोग यहाँ पर आए और मुझे बहुत खुशी हुई आज इस हॉल में इतने सारे सब लोगों को देख के, क्योंकि जनरली हम लोग प्रोग्राम तो बहुत करते हैं, लेकिन तो ये आपकी आकर्षण है जो जिस सब लोग यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर विद दिस आई क्लोज माय माउथ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का थोड़ा सा समय और लेते हुए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर भरत रूप जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और इतना सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उसके पश्चात मैं सुधीर सर, विभागाध्यक्ष कला कोष, और अनिल सर, विभागाध्यक्ष जनपद संपदा, गौर सर एंड ऋचा मैम, उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सपोर्ट एंड सप्लाई डिविजन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मीडिया सेंटर को भी धन्यवाद। और आप सब कृपया चाय पानी के लिए बाहर की ओर प्रस्थान करें।